वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, फ्रेंड्स उसका ओरिजिनल पेपर कहीं से मुझे मिला है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो उसका सोल्यूशन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रश्न का सोल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो जो प्रश्न का आंसर मुझे पता है फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी में मैं उसका सोल्यूशन आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह का वीडियो आगे मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, जिस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, जिससे आपको आगामी परीक्षा में आपको हेल्प होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यही ओरिजिनल पेपर था, किस डिस्ट्रिक्ट का है मुझे पता नहीं। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र किया गया था। फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फटाफट करूंगा, फास्ट करूंगा फ्रेंड्स, मिलाते चलेगा। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि आपका किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके, तो संसद पावरफुल होता है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदन के समक्ष कौन रखता है या प्रस्तुत करता है, तो आप राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलाते चलिएगा, फटाफट फास्ट रॉक करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका क्वेश्चन आया था, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो विवाद का निपटारा करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांच नंबर सवाल आपका पूछा गया था, सोवा रिम्पा क्या है, तो हिमालय में एक पारंपरिक इलाज की दवा पद्धति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2010 में की पहली आपका जो मेट्रो उद्घाटन कहा था, कोलकाता, जो भी मारे इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया छः नंबर क्वेश्चन। फिर 7 नंबर है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए मारे हैं हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देख लें फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इसमें कि कौन सा है जो भूस्थायी उपग्रह नहीं है, तो जुगनू है जो नहीं है, बाकी इडुसेट, जीसेट और इसे है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, पूछा गया था सामा चकेवा, ठीक है फ्रेंड्स, सामा चकेवा बिहार का त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था फ्रेंड्स, तो उस्ताद लाहौरी, अहमद लाहौरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि समय कम है, ऑफिस भी निकल रहे हैं, तो और बना देते हैं। बिंबिसार प्रसिद्ध राज्य वैद्य जीवक, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ के निवासी था, तो ये आपका राजगिरी का निवासी था। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, 12 से 14 देखिए गदान से फ्रेंड्स, तो ये मैं PDF आपका पेड ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से पढ़ करके बना लीजिएगा। ठीक है, 14, 15 नंबर सवाल से देखते हैं। 15 नंबर सवाल में आपका क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविडेशन, क्या है ये, हाँ, राज्य में विधान परिषद, इसका जो आंसर मैं कल भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, 1/3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कुल सदस्य संख्या के 1/3 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कितना हो गया फ्रेंड्स, ये आपका 15 नंबर 16 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया था संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चुनाव हुआ था तो आपका जुलाई 1946 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम बैठक रहेगा फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946, लेकिन वो पूछा जा सकता है, तो चुनाव कहेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 17 नंबर सवाल को देखिए, 17 नंबर सवाल आपका कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन पद से हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि कौन सा गैस है जो पोप की आवाज़ करते हुए, तो हाइड्रोजन बता चुका हूँ कल ही फ्रेंड्स, H2 यानी हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोप की आवाज़ करते हुए जलता है। चलिए 19 नंबर सवाल आपका पूछा गया था, अंडे की जर्दी किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, तो इमल्सन का उदाहरण कहीं कहीं फोम दे रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मैं गूगल में भी देख चुका हूँ, इसमें इमल्सन बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका थोड़ा आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, या तो मुझे तो लग रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, अगर किन्हों कन्फर्म पता है फ्रेंड्स तो बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अगला है फ्रेंड्स, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है, तो Fe होता है, फिर ऐसे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देख लिए फ्रेंड्स, 21 नंबर सवाल आपका है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु संरचना, तो SP3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कल भी बता चुका हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप के स्केच रिपोर्टार्ज के लेखक कौन है, 100% यही होगा फ्रेंड्स, गूगल में मिल चुका है, राहुल संकृतियान, ये कन्फर्म है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद था फ्रेंड्स आपका 23 नंबर सवाल है ना, 23 नंबर सवाल आपका है कि सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करना था, 23 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी मारा है, 1 4 52 C3 इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है फ्रेंड्स, तो ये आपका राज्य के लिए सभा गलत है, क्योंकि राज्य की सभा सही विग्रह होगा, बाकी ये तीनों है जो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आपका है, कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ जीविक नाल, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, परकिंजे ने दिया था, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी तरह से फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोग मिला लीजिएगा जिनका एग्जाम था। 26 नंबर सवाल को देखें, 26 नंबर सवाल आपका है, एक मिनट,
26 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा स्केलेरिन कायमा हो जाएगा। ठीक है स्केलेरिन कायमा इसका करेक्ट आंसर है, गूगल में ही दे रहा है। 27 नंबर सवाल है हरी पत्तियों भोजन पदार्थ किस रूप में संग्रहित स्टार्च के रूप में करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स की 2024 को संयुक्त अकादमिक प्रभाव के सदस्यों की कितना स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स इसमें कंफर्म नहीं पता चल रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे हिसाब से डी या आपका सी होगा। ठीक है किन्हीं को पता है फ्रेंड्स तो करके बताइएगा, नहीं तो मैं बाद में इसको सर्च करके बताऊंगा। चलिए 29 नंबर सवाल है सूचना का अधिकार कब हुआ था फ्रेंड्स, 2005 आरटीआई लागू कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज 2023 को घोषित किया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स की लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, तारकाई है जो फ्रेंड्स सभी में लगभग अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगर 32 नंबर के प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है फ्रेंड्स, तो एकदम 100% करेक्ट आंसर बहुविभाजन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपका 33 नंबर सवाल। ठीक है फ्रेंड्स 33 का जो इंग्लिश का है फ्रेंड्स, तो 33 का जो भी है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो 33 का बी हो जाए, इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोमेमुकुलम उद्भव समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। 34 नंबर सवाल देखते हैं, 34 नंबर सवाल आपका है, 34 नंबर सवाल आपका है कुछ सरीसृपी, 34 का कुछ सरीसृपी लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है इनमें। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो 34 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग निर्धारण निषेचन अंडे के सीमांत ताप पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है फ्रेंड्स बच्चा खेल रहा है फ्रेंड्स अपूर्ण वर्तमान है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अगर स्वागत में है अब आपका पूछा जा रहा है उपसर्ग, तो सुजोड़ागत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर सवाल निम्नलिखित में से वाक्यांश में इसे एक सही के शब्द का दृष्टिगत संगत विकल्प कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स तो इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी संगत है फ्रेंड्स कि गाय को पालने वाला गोपाल गोद लिया हुआ दत्तक किए गए उपकार का पाने वाला कृतज्ञ कहता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल आपका है गुजरात में नवीन कृप मृदा को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो नवीन को खादर के नाम से जाना जाता है, इसमें खादर ऑप्शन नहीं दिया फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पुरानी को तो बांगर कहते थे, इसका कंफर्म देखिए मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपका भाटा होना चाहिए लेकिन इसका कंफर्म नहीं पता चला है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 39 नंबर सवाल आपका कह रहा है 39 नंबर पूछा है निम्न में से कौन सा कंपनी ONGC के हेलीकॉप्टर सेवा थी, आपका पवन हंस जो हमारे इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल है फ्रेंड्स 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ठीक खाली जनसंख्या रहेगा तो उत्तर होगा, घनत्व पूछेगा तो आपका हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन पूछा भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपका राजस्थान में किया गया था, तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान हमारे इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिटर कंपनी लिमिटेड तीसरे LDC उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में हासिल की है। ठीक है फ्रेंड्स कितना नंबर 42 नंबर सवाल का है ना, तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर कितना हो गया फ्रेंड्स 42 हो गया। 43 नंबर सवाल को देखिए 43 नंबर सवाल है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान आपका क्या मुजफ्फरपुर जो हमारे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है, तो मुद्रास्फीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स कितना नंबर सवाल है आपका, तो 45 नंबर सवाल है ना, तो 44-45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा। राम के पास एक गाय है और उसका दूध हुआ स्वयं उपयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, 46 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति कौन सा सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स कितना है आपका 45, तो इसका सोल्यूशन नहीं कर पाए फ्रेंड्स। ठीक है 46 का देखिए फ्रेंड्स इसके मिनट 46 का करेक्ट आंसर बी होगा फ्रेंड्स, सॉरी 46 का इसका आंसर है, 46 का करेक्ट आंसर बी होगा। वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता, तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखिए, 47 नंबर रह गए ऑनेस्टी इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो सिंपल है फ्रेंड्स अब स्टेट नाउन का उदाहरण है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि ऑल मैन मस्ट डाई, और इसमें एडजेक्टिव पूछना है तो ऑल है जो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स सम्मिलान करिएगा, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आप लोगों को पता चल जा रहा होगा इसका आंसर ये कर रहा है इसमें प्रीफिक्स के बारे में, तो इसमें अब एक ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49-50 का क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स वह स्थान जहाँ पर शुक्राणु अंडा से सामना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये डिम्बवाहिनी हो जाएगा। चलिए इतना हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद में देखते हैं आगे, आगे देख आपका अगला क्वेश्चन है
51 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स ये मस्तिष्क होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स 52 नंबर सवाल में पूछा गया था कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो 52 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, इकाइनोडर्मेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 53 नंबर सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में आपका गलत है? तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो 53 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करते ही गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 54 नंबर सवाल आपका है कि एक अपसारी दर्पण है तो उत्तल दर्पण जो हमारे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपका फिजिक्स से है 55 का, इसका सोल्यूशन नहीं हो पाया है। 56 नंबर सवाल देखते हैं, 56 नंबर सवाल, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना कर दे तो संवेग क्या हो जाएगा? तो इसका दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत उपकरणों के अतिकरण के कारण लघुपत सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो फ्यूज का उपयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है फिल इन द ब्लैंक्स में है, 58 नंबर सवाल का है इसका, देखिए बिहार में अन्य वन्य जीव आपको राष्ट्रीय पर्व इसका जो फ्रेंड्स इसका नहीं हो पाया है जल्दी जल्दी में। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, कितना नंबर सवाल है, 59 नंबर सवाल, 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर एक का दो हो जाएगा, यानी एक का दो यानी भावर का क्या हो जाएगा तो छिद्रपूर्ण हो जाएगा। फ्रेंड्स दो का तीसरा हो जाएगा, तराई का हो जाएगा यानी कि घने जंगल व वन्य जीवन में हो जाएगा, ये हो जाएगा। भांगर का हो जाएगा फ्रेंड्स, तो भांगर का तीन का चौथा हो जाएगा फ्रेंड्स, चौथा यानी कि आपका पुराना जोड़, देखिए भांगर का पुराना जोड़ करते तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स आपका, मिलान करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो फ्रेंड्स कितना नंबर सवाल है, 60 का है, तो 60 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 60 का एक का तीन आएगा फ्रेंड्स, एक का तीन सहायक नदी कहते हैं गोदावरी का रहा है, तो गोदावरी का ये हो जाएगा, वीरांगना हो जाएगा, कृष्णा का क्या हो जाएगा, कोयना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी कृष्णा गंगा का हो जाएगा कोसी हो जाएगा, कृष्णा का हो जाएगा जो कोयना हो जाएगा, और कावेरी का अमरावती हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 60 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 61 नंबर सवाल को देखते हैं, 61 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स की निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट, तो थोरियम इसका करेक्ट आंसर होगा, जो थोरियम आ रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 62 नंबर सवाल है आपका कह रहा है आपका 63 नंबर सवाल, विच इज द करेक्ट वर्ड विच अपोजिट मीनिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रिड्यूड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल आपका कह रहा है मैथ से है, दो संख्याओं का योग इतना है, 187 इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। देखिए जोड़िएगा तो 11-17 को 28 आ जाएगा फ्रेंड्स, गुना करिएगा तो 187 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स आपका कितना, 64 का इसका सोल्व देख ली, मैथ का है इसका सोल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 65 का देखिए इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, 65 का है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है फ्रेंड्स, 65 का है जो, एक मिनट, 64 का तो हो गया था फ्रेंड्स, 66 नंबर सवाल का देखिए इसका भी सॉल्यूशन आपका 66 का नहीं हो पाया फ्रेंड्स, और 67, एक मिनट, 66 का है फ्रेंड्स आपका, ये भी नहीं हो पाया है, 68 का है फ्रेंड्स, इस 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत कोशिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 का। चलिए फ्रेंड्स अब 69 नंबर सवाल को देखते हैं, 69 नंबर सवाल आपका है, 69 का जो सही सॉल्यूशन आएगा फ्रेंड्स, 69 का जो ऑप्शन नंबर बी आएगा, एक का तीन। ठीक है फ्रेंड्स, एक का तीन, एक का रक्त हो या संजोजी उत्तक का उदाहरण इसी से पकड़ में आ जा रहा है फ्रेंड्स, तो एक का तीन इसी में एक दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। उसके बाद में है फ्रेंड्स आपका उपकला उत्तक, तो उपकला उत्तक का हो जाएगा फ्रेंड्स, दो का दो हो जाएगा यानी कि त्वचा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना नंबर सवाल था, 69 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर सवाल को देखिए, 70 नंबर यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है मिलकर, और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था उन्हें जो वैसली वो थी, तो ये आपका जो 69 नंबर सवाल का जो, एक मिनट, कितना नंबर सवाल है फ्रेंड्स, सॉरी 70 नंबर, तो 70 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ईंधन अमोनिया हाइड्रोजन। चलिए 71 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, 71 नंबर सवाल का भी सॉल्यूशन इसमें आपका नहीं, मैथ वाला देख लीजिएगा, और 72 का जो सवाल है फ्रेंड्स, 72 का इसका सॉल्यूशन है, तो इसका 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
72 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। 73 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस माध्यम में धमनी सबसे तेज चलती है, तो स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हो गया 75 नंबर सवाल को देखिए, 75 नंबर सवाल आपका है, 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा। ठीक है, कोयना, ए का सी, कोयना कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, दो का डी हो जाएगा, इतुरंगम कहाँ पड़ता है, तो तेलंगाना पड़ता है। सरिस्का कहाँ पड़ता है, तो सरिस्का पड़ता है आपका राजस्थान में पड़ता है। चंद्रप्रभा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना नंबर सवाल था फ्रेंड्स, ये आपका 75 का ए हो जाएगा। 76 नंबर, 75 हो गया फ्रेंड्स, 76 नंबर सवाल आपका है, 76 नंबर सवाल है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया तो उस समय राज्यपाल कौन थे फ्रेंड्स, तो नित्यानंद कानूनगो, इसका कानूनगो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, अगला 77 नंबर सवाल आपका है, 77 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से गलत का चयन किया, तो 77 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 नहीं, इस अधिनियम के तहत नहीं दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 78 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, 78 नंबर सवाल है, लॉर्ड उसी प्रकार थे, इसका जो सामंत मारे हैं, सामंत नाइट इसका करेक्ट आंसर, सामंत नाइट लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार से मध्यकालीन में लॉर्ड राजा को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह तो पुरानी दिल्ली में आपका जहाँ पर ग्यासपुर में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में है, तो बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भी मारे हुए बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो वायु है जो गैसों का मिश्रण है फ्रेंड्स, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% आपका क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मिश्रण वायु का उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखते पूछा गया था इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हमारे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, 84 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बराबर 0 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 85 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, 85 नंबर का मैथमेटिक्स का है, तो इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका देख लिए 86 का जो करेक्ट आंसर आया था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आया था, 86 का करेक्ट आंसर आया था 2/5 आया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 87 नंबर सवाल आपका है कि टेनिस कोर्ट में जून इतना समय जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स, तो इसका भी एकदम 100% सही आंसर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिराइबो और ओबीसीए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका कितना हो गया फ्रेंड्स, आपका 87 हो गया। 88 नंबर सवाल है, हेनरी कोट किस प्रकार का आविष्कार, हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा का बनना संभव हुआ था, तो पैडलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, संडोलन जिसे भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर विभाजन 16 अक्टूबर हुए थे, पूरे शोक दिवस के रूप में मनाए थे, बहुत सारे यूट्यूबर इसका गलत जवाब दिए हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, शोक दिवस के रूप में मनाए थे। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि किस वर्ष में बिहार का राज्य का दर्जा मिला था, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 6 इसका 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या होती है, तो सहसंयोजी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि सी इतना रचनात्मक अब 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 का है फ्रेंड्स आपका है कि अल्फा कण क्या होता है। ठीक है, 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक ये इसका जो देखिए करे इसका भी यूट्यूबर बहुत गलत बताए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आयनित। ठीक है फ्रेंड्स, आयनित हीलियम परमाणु होता है। ठीक है, आयनित हीलियम परमाणु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर है जो आयनित हीलियम परमाणु होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स 94 का है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो प्राइमरी की मारे हैं इस करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका रिकॉर्ड कंप्यूटर से पूछा गया था प्राइमरी की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स इसमें कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसों को कौन जोड़ता है फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे मदरबोर्ड बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका मॉडेम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका देख लीजिएगा कहीं कहीं पे मदरबोर्ड बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे ख्याल से आपका मॉडेम जो मारे उनका करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका 96 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन अरक्षित वन आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स आपका 97 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय नौसेना IFA
में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या था, इसका 100% करेक्ट आंसर रैम्पेज हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, द कॉन्स्पिरेंसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, इसका करेक्ट है अध्यापक श्रीलंका के हैं राष्ट्रपति थे आपका गुटाया राजपक्षे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2024 शशि थरूर को दिया गया, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, तो नाग है जो एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लगता है 10-12 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं नहीं दे पाया हूँ फ्रेंड्स, लगभग 85 से 87 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन फर्स्ट में दे दिया हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस में करवाऊंगा। जो स्टूडेंट चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए जय हिंद जय भारत।